खनियाधाना जनपद पंचायत के तहत ग्राम पंचायत रिछाई की, जहां पर पूर्व सरपंच और सचिव की मिलीभगत से विकास कार्यों में भारी भ्रष्टाचार किया गया है। ग्रामीणों की शिकायत पर जब हमारी मीडिया टीम ग्राम पंचायत का निरीक्षण करने पहुंची, तब जाकर पूर्व सरपंच एवं सचिव की काली करतूतें पता चली। हमारी टीम ने सारे निर्माण कार्यों को अपने कैमरे में कैद कर लिया। ग्रामीणों ने पूर्व सरपंच एवं सचिव पर कई संगीन आरोप भी लगाए। ग्रामीणों का कहना था कि सचिव ने मनरेगा के तहत हम लोगों से मजदूरी कराई, पर आज तक हमें मजदूरी के पैसे तक नहीं दिए। हम लोगों ने कई बार सचिव से मजदूरी मांगी, पर सचिव है कि देने को तैयार ही नहीं है। इन निर्माण कार्यों में किया गया बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार। पूरे गांव में सीसी रोड निर्माण, चेक डैम निर्माण, मुक्ति धाम निर्माण, शौचालय निर्माण, नाली निर्माण, पंचायत भवन निर्माण, मनोरंजन भवन निर्माण, चबूतरों का निर्माण और पेयजल की व्यवस्था, जो भी निर्माण कार्य सचिव एवं पूर्व सरपंच ने कराए हैं, और निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया और कई निर्माण अधूरे पड़े हुए हैं और कई निर्माण जमीन से गायब है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि कई हितग्राहियों को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन तक नहीं मिलती, जिसके कई बार कागज भी हम लोगों ने सचिव को दे दिए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास भी नहीं दिए गए हैं। आवास के फार्म के साथ पैसों की मांग करता है। जिन लोगों के आवास आ गए हैं, उन लोगों से इस डलवाने की एवज में भी पैसों की मांग करता है। पैसे नहीं दिए जाने पर हितग्राहियों को आवास की किस्तें तक नहीं डलवाई जाती है। जब इस संबंध में मीडियाकर्मियों ने सीओ रामप्रसाद गोरछियाल से बात की, तो उन्होंने इस मामले की जांच कराकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। क्या नाम है आपका? कप्तान सिंह यादव। तो ये हम अभी इस समय रिछाई गाँव में है। हाँ जी। तो जो विकास कार्य नहीं हुए और उनकी राशि निकाल ली गई, इस बारे में आपको क्या जानकारी है? हमको ये जानकारी है कि हाँ, ये शमशान घाट बनाया गया था, ये कोई शमशान घाट में ढोल फिरते हैं, कोई विकास योजना नहीं हुई है यहाँ पे सिकटियन की पूरी लापरवाही है। नहीं तो इसका जो राशि निकाल ली आप लोगों ने, इसकी शिकायत कहीं पर की है? अरे अब उन लोगों की इसलिए कि भी कहते हैं कि हम तुम्हारी कुटी बनवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ? नहीं, कोई कार्य नहीं। और आपको ये पता है कि सचिव द्वारा पूरी राशि निकाल ली गई है? हाँ, सचिव ने राशि तो निकाल ली। और विकास कार्य नहीं कराया जमीन पर? और इसके टीन सेट वगैरह नहीं है जो शमशान घाट में, ये कहाँ गए इसके टीन सेट? आए नहीं है सर, सचिव ने पूरा पैसा निकाल लिया। पूरा सचिव ने पैसा निकाला है। क्या नाम है आपका? सतीश कुमार जाटा। तो जो आपके पंचायत में निर्माण कार्य के पैसे निकाल लिए और निर्माण कार्य नहीं हुआ, इसकी आपको जानकारी है? जी सर, निर्माण आप देख रहे हैं सर, JRCC है, ये शमशान घाट है सर, आपको दिखा रहा है, जो कुछ भी करवाया है ये देख लो सर, ये डला है। और जो निर्माण कार्य की राशि निकाल ली और अधूरे पड़े हुए हैं, इसकी शिकायत आपने कहीं की है? कहीं नहीं की सर। क्यों नहीं की? सर हम तो किसान हैं, पता नहीं था। अच्छा, क्या नाम है भाई? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तो क्या समस्या है आपकी? कुटील कड़गा की सामू कुटील मास्टर का पैसा एक नन्या और जे किसने निकली जे में पैसा ला भगवत ने। कौन ने? भगवत ने। भगवत कौन है? वो बटा पन जान को याद आ, सेक्रेटरी है यहां। हां, सहायक सेक्रेटरी है। अच्छा, फिर आपने इसकी शिकायत की कहीं पे? करी जनपद में गई थी, जन सुनवाई में कोई नहीं दाव 4000 रुपए जड़ा। जन सुनवाई में भी आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ? और जनपद सीओ से भी आपने कहा था? नहीं थी, दरखास्त नहीं थी, कुछ नहीं सुनी। अच्छा, क्या कहता है ये सचिव? जो कट के कढ़ गए पहले पैसा दो। हाँ। और आप मजदूरी भी करती हैं यहाँ पे? मजदूरी करती हैं ना? हाँ, मजदूरी करती। तो मास्टर में पैसे भी नहीं मिले? नहीं मिले, मात्र डारे 4000। और आपने पूछा तो क्या बोला सचिव? सब पड़ गए, नहीं देंगे। नहीं देंगे। क्या समस्या है तुम्हारी, बताओ? क्यों काट दिया? कहीं हम कहीं एक सौ सास की जाकी सुबह से तू रही काट दा। अच्छा, राशन नहीं मिलता फिर? नहीं मिला। कितने बच्चे हैं आपके? 5-6-7 हैं। अच्छा। सर, जो खनिया थाना के रिछाई ग्राम पंचायत में पूर्व सरपंच और रोजगार सहायक सचिव की मिली भगत से जो बिना कार्य के पैसे निकाले गए हैं, इस संबंध में क्या कहेंगे सर? ऐसा तो अभी मेरे संज्ञान में ऐसी बात आई नहीं है, और आपके जरिए जो मुझे संज्ञान में आना है जी, तो मैं उसकी जांच करवाता हूँ उस पंचायत की, और फिर जो भी आएगा अगर वाकई दोषी है तो उनसे रिकवरी का प्रकरण बना के 92 का वसूली की जाएगी।
क्या समस्या है आपकी? ये समस्या है पैसे नहीं मिल रही, कोई सुझाव नहीं है, सब पन्नो जा कुछ पैसा लिया, विकलांग लिया कुछ, जो फॉर्म लिया हम खास लिया पैसा, हमारा तारी बता खास पैसा लिया हम। अच्छा तो भाई, अच्छा पैसे मांगते हैं सेक्रेटरी को? सेक्रेटरी से मांगा, सेक्रेटरी से कहीं सेक्रेटरी का बोला पैसा का नहीं देते, उनका कभी घर गांठ के लगा दे रुपया का। अच्छा, मैं इतने कहीं का पैसा तुम तो लेगा, हमको कड़िया हूं तुम ले लियो बिना एक नहीं सुनी। अच्छा बता कहां जाओ बता, अबे तो मैं हूं, अबे बिकता बा माता भी खवाला भी मर जाए फिर मैं क्या करूंगा। ठीक, खनियाधाना से मुकेश प्रजापति की रिपोर्ट।